हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सीबी वर्सेस एनडब्ल्यू टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 11 आवर्स 47 मिनट्स हैं। इंडिया का टाइम का आंसर देखा जाए तो आज रात 10 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इस तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा @jhofantasy करके। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों। आप इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत करना, जिसमें आपको 1049 सब्सक्राइबर्स आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों उसी में ज्वाइन करना। जिसमें वायलेट कलर का JF दिखाई दे रहा है दोस्तों उसी पर ज्वाइन करना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ हो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको कवर करवा देगा। इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप माई मास्टर 11 में खेलेंगे दोस्तों तो आप 100% ईजिली मनी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों। इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, आप मनी ईजिली अर्न भी कर सकते हैं। और माई मास्टर 11 का लिंक यही दोस्तों, क्लिक करते ही शो हो जाएगा, तुरंत डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक करूंगा, के लेविस को और वी अरविंद को। मैंने 2 विकेट कीपर को पिक कर लिया दोस्तों। दोनों विकेट कीपर का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो के लेविस ने लास्ट मैच में 10 बॉल खेला था दोस्तों, 8 रन मारा था। लास्ट मैच में लेविस ने इतना अच्छा बैटिंग नहीं किया दोस्तों, लेकिन लेविस एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों। मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया दोस्तों, दोनों विकेट कीपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को 100% पिक कर लेना। और वी अरविंद के बारे में बात कर रहे तो वी अरविंद ने लास्ट मैच में, इनको तो बैटिंग में तो चांस नहीं मिला दोस्तों, लेकिन अरविंद भी एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। मैंने 2 विकेट कीपर बैट्समैन को पिक कर लिया दोस्तों, दोनों को भी स्टैट्स बता दिया। दोनों विकेट कीपर को आप 100% पिक कर लेना। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने डेविड मलन को पिक करूंगा, आर पोवेल को और यू खान को। पूरा मैंने 3 बैट्समैन को पिक कर लिया। सो तीनों बैट्समैन का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो डेविड मलन के बारे में बात करें तो डेविड मलन ने लास्ट मैच में 20 बॉल्स पर 32 रन मारे दोस्तों। कमाल का बैटिंग किया दोस्तों मलन ने लास्ट मैच में 20 बॉल्स पर 32 रन। मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया दोस्तों, तीनों बैट्समैन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को 100% पिक कर लेना। मलन का स्टैट्स बता दिया दोस्तों। अब आर पोवेल के बारे में बात करें तो आर पोवेल ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया दोस्तों, 28 बॉल्स पर 76 रन मारे, कमाल का बैटिंग किया। डेविड मलन ने भी लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया और आर पोवेल ने भी, आर पोवेल ने लास्ट मैच में 28 बॉल्स पर 76 रन, सो कमाल का बैट्समैन है। और यू खान के बारे में बात करें तो यू खान ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाला था, सॉरी 2 बॉल पर 2 रन मारे हैं यू खान ने। लास्ट मैच में यू खान इतना अच्छा बैटिंग नहीं किया दोस्तों, लेकिन यू खान भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनका पॉइंट भी देख सकते हो 127 पॉइंट्स है, आप इनको 100% पिक कर लेना। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन को स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। अब ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने सिकंदर राज को पिक करूंगा, सी ब्रेट वाइट को और उसर उदाना को। मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को 100% पिक कर लेना। सिकंदर राज के बारे में बात करें जाए तो सिकंदर राज ने लास्ट मैच में, सिकंदर राज को बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन बॉलिंग किए थे, 2 ओवर डाला था दोस्तों सिकंदर राज ने, 0 विकेट। सिकंदर राज को लास्ट मैच विकेट तो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, आप इनको 100% पिक करना। सी ब्रेट वाइट के बारे में बबात करें तो सी ब्रेट वाइट ने लास्ट मैच में 3 बॉल पर 1 रन मारे दोस्तों, और 2 ओवर डाल के 1 विकेट मिला दोस्तों। सी ब्रेट वाइट कमाल का बैटिंग करते दोस्तों, कमाल का बॉलिंग भी, सी ब्रेट वाइट को भी आप 100% पिक कर लेना। उसर उदाना के बारे में बात कर रहे थे, उसर उदाना ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाला था दोस्तों, 2 विकेट लिया है। उसर उदाना ने लास्ट मैच में कमाल का बॉलिंग किया दोस्तों, 2 ओवर डाल के 2 विकेट लिया है दोस्तों, कमाल का ऑलराउंडर दोस्तों उसर उदाना, बॉलिंग ऑलराउंडर दोस्तों उसर उदाना, आप इनको 100% पिक कर लेना, कमाल का बॉलिंग करते हैं। श्रीलंका का टीम का था दोस्तों, आईपीएल में आरसीबी टीम के लिए खेला दोस्तों, कमाल का बॉलिंग किया आईपीएल में भी,
आप इनको 100% पिक कर लेना। मैंने तीन ऑलराउंडर्स को पिक कर, तीनों को स्टैट्स भी बता दिए, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। अब बॉलर्स, बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने ओ स्टोन को पिक करूँगा और एस कुक को और एम इरफान को। मैंने तीन बॉलर्स को पिक कर लिया। सो तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात कराई जाए तो ओ स्टोन ने लास्ट मैच में दो ओवर डाला था, 0 विकेट। स्टोन को विकेट तो नहीं मिला दोस्तों, लेकिन स्टोन एक इंपॉर्टेंट बॉलर है सीबी टीम के लिए, आप इनको 100% पिक कर लेना। और एस कुक के बारे में बात करें तो एस कुक ने लास्ट मैच में 2 ओवर डाला था और 1 विकेट मिला। कुक को 1 ही विकेट मिला दोस्तों लास्ट मैच में। और एम इरफान के बारे में बात करें तो एम इरफान ने भी लास्ट मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट ले लिया दोस्तों। तीनों बॉलर्स ने लास्ट मैच में कमाल का बॉलिंग किए हैं। मैंने बॉलर्स पर तीन बॉलर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया। अब कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करा जाए तो मैंने कैप्टन में बनाऊंगा आर पोवल को और वाइस कैप्टन में सी ब्रेट वाइट को। दोस्तों एक बार मेरा टीम को देख लीजिए। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया, के लिविस को और वी अरविंद को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, डेविड मलन, आर पोवल और यू खान को, और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, उसर उदाना, सी ब्रेट वाइट और सिकंदर राज को। मैंने कप्तान में बनाया दोस्तों आर पोवल को, और वाइस कैप्टन में सी ब्रेट वाइट को, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया, वो स्टोन को, एस कुक को और एम इरफान को। दोस्तों मैंने पूरा 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, सो 11 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।